हेलो एवरीवन, वेलकम टू विभास लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये देखिए बिट्टू उठ के आया नीचे से और बेला उसके साथ लग गई। पता नहीं इसी से इतना लड़ती है, इसी के साथ इतना लड़ाई करती है कि मत पूछिए। देखिए आप लोग तो 2-3 दिन से वीडियो में देख ही रहे हैं। आज लास्ट दिन है, आज हम भी रेणुकूट के लिए वापस जाएंगे अब, और बिट्टू भी अपने रूम पे चला जाएगा। ये देखिए बेला उसके साथ मस्ती करते करते मेरे साथ आ गई है मस्ती करने। सब लोग चिली पनीर खा रहे हैं, खा रहे हैं। इधर नानी मम्मी पराठा बना रही है, चाची बैठी हैं और मौसी खा रही है चिली पनीर। कैसा बना है चाची? बनाई है बहुत टेस्टी। कल हम लोग नॉनवेज खाए, आज वेज खा रहे हैं। ये पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक में कहाँ गया कोल्ड ड्रिंक? ये नूड पास्ता, ये व्हाइट सॉस पास्ता, छोटा वाला चिली उसको कोई नहीं दिया ना, वो जाके सो गई। अभी हम तैयार हो गए हैं रेणुकूट निकलने के लिए, लेकिन तभी अलका बोली नहीं बिट्टू स्विगी से ऑर्डर करो पिज्ज़ा, व्हाइट सॉस पास्ता, चाउमीन सब, चलो पार्टी करते हैं उसके बाद तुम रेणुकूट जाना। हम बोले चलो ठीक है, मंगाई हैं सब वहीं। देखिए ये सब अभी हम लोग खाएंगे, उसके बाद हम रेणुकूट के लिए निकलेंगे। हम लोग इधर खा रहे हैं, बेला को नहीं दिए तो देखिए बेला जाके पापा को देख रही है कि पापा देंगे, कोई तो दे नहीं रहा है तो पापा ही दे दें। सब बोल रहे थे उसको नुकसान करेगा मत देना, इसीलिए कोई नहीं दिया, वो पापा के पास खड़ी है। ये है तो अरे परी दोनों ये सब रख देना, पूरा बचा होगा तो पिज्जा बना ले, पिज्जा बनाए कि डाले काम आएगा। वे जाओ, वे वाला लाओ ग्लास। अरे ढेर मत चल आ बेटा, तुमको अखिया में ना लग जाए, ज्यादा तीखा नहीं रहेगा। हमको डाल दिए थोड़ा, जाओ वे लेके आओ ना ग्लास। क्या हमको तो हमारे सबके बढ़िया लग रहा है, तब बनो खोजो थे मन में तो कुछ हो ना। हमको तो दिन आने वेलकम। क्या पढ़ी हो आज? थैंक यू। वे ग्रीन चिली नूडल्स है ना, ग्रीन चिली नूडल्स ना। तो और कलर ये नहीं रहा है, ये व्हाइट सॉस पास्ता। तो पैसा तो दिए ना उसको, दे देना हम बताएंगे। 300 रुपए दिए हैं। बोल दो किट्टू भैया, मम्मी 300, मम्मी बोलो 300 रुपए किट्टू को दिए हैं पार्टी करने के लिए। पर्सनल पर्सनल खा मत जाएगा मौसी, देंगे 300 मिला है। हाँ वीडियो जाएगा, एडिट मत कर दीजिएगा। ऐसे नहीं, मेन टाइम पर तुम डालियो, एडिट कहाँ से कर लेंगे। ये बहुत गरम गरम है, हमको व्हाइट सॉस अच्छा नहीं लगता, इतना मस्त लगता है। छोटे छोटे थे तो बनाए और 2-3 जगह खा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, पर कैप्सिकम का मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं 2 बार मंगाया हूं, नाना को पहले मैं देती हूं, नाना टेस्ट करेंगे। अरे बहुत थोड़ा दे रहा हूं। हां पापा थोड़ा। देखिए ये 2 दिन कैसे हंसी मस्ती मजाक में निकल गया बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ, बेला के साथ, पता ही नहीं लगा। और फिर अब यहाँ से जाने के बाद फिर वहीं रेणुकूट में अकेले, और किट्टू नहीं आया है तो सब पार्टी कर रहा है, तो उसके लिए 300 रुपया दे दिए हैं कि वो अपना खा लेगा कुछ भी। बेला डोलची में बैठ गई, जाओगी क्या मौसी के साथ? बंद करो, बंद कर दिए। चलो छोड़ दो, बंद मत करो। चलो ये चलो बेला, छुटपटाने लगी, ऐसे ही करती है, गोल गोल घूमने लगती है। चलो चला रखा, लेकिन नहीं फिर ले आई नहीं रख दाई ना, शॉपिंग करे कहा कब आएंगी ले जाइयो नहीं ले जाइयो, ओ को पराम निकली।
बेला के लेके पियो पैर छुके स्कूल जाली बेला के निकल जा बेला वो निकल जा घूम के आ गई घूम के बाय 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 देखो ऐसे बेला को देखिए वो आके अपने डोलची में बैठ गई। वो कहीं जाती है तो उसी डोलची में जाती है, तो कोई कहीं जाएगा तो अपना आके डोलची में पहले ही बैठ जाएगी कि हमको लेके चलेंगी। देखिए आके डोलची में बैठ गई। पकड़ो भैया उसको, मारना मत। उस बार तो मारा था, मारे मत तो के पहले बता दे। उस बार तो गजब मारा। कहाँ गया वो? गई उधर पहले से जा। बेला भागी, इतना धीरे धीरे चल रहा है। अरे वो तो गली पकड़ ले गई जो देखा। नहीं नहीं गड़िया चालू की लो ना, तब तू उठा पहले। जाओ तुम। हम बस में बैठ गए हैं। हम लोग आए रोड पे, हमको बिट्टू लेकर आया। 2 मिनट बाद ही रोडवेज आ गई, लेट नहीं लगा। बिट्टू बोल रहा था कि यहाँ से मुश्किल है मिलना क्योंकि दोपहर हो गया है, तो चल के तुमको आखिरी बाईपास बैठाएंगे, लेकिन मिल गई यहीं पे बस रोडवेज। तो देखिए अब हम चल दिए रेणुकूट के लिए। चलिए रेणुकूट में अब मिलते हैं। हम आ गए बनारस से रेणुकूट, अभी जस्ट आए हैं। अब चल रहे हैं, अभी मुंह धुलेंगे। तो 2 दिन का एंजॉयमेंट, फिर वही रोजमर्रा का काम, सुबह से शाम तक का ब्लॉग। अभी आए तो किट्टू है नहीं, कोचिंग चला गया है। 4:30 हो रहा है, 4:30 बजे आ गए। अब चल रहे हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। ये अभी हम सो के उठे हैं, तो 2-4 बर्तन था धुले हैं, फिर झाड़ू लगाए। उसके बाद कटहल, सब्जी में कटहल ले आए थे, तो उसका अभी देखिए शाम को 7 बज रहा है। अभी हम जा रहे हैं इससे कटहल का सब्जी बनाने, सब्जी और रोटी। तो शाम को अधिकतर सब्जी रोटी ही बनता है, तो अभी देखिए कटहल का सब्जी बनाने से, कटहल काटने से पहले ये थोड़ा सा थाली में सरसों का तेल लगा लेंगे, क्योंकि इसका दूध जो होता है ना कटहल का, बहुत चिपकता है। थाली में लग जाएगा तो वो भी चिपकेगा, तो इसलिए देखिए चाकू पे भी, हाथ में भी लगा लेंगे तो फिर कहीं दूध नहीं इसका चिपकेगा। सॉरी, नहीं तो ऐसे बहुत चिप चिप करता है और छीलने में भी दिक्कत होता है, और जिस थाली में रख दीजिए उसको मांजने पर भी जल्दी नहीं छूटता दूध कटहल का, इतना इसका दूध जिद्दी होता है। तो इसलिए अगर सरसों का तेल थाली में, चाकू पर, हाथ में लगा लेंगे तो ये दूध नहीं लगता है, तब एकदम पूरा साफ साफ रहता है और अच्छे से हो भी जाता है। तो ये अभी मेरा कटहल छिला गया है, अब इसको काट के इसको फ्राई करेंगे। पहले थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके इसको भूनेंगे, ऐसे सौंधा लगता है भूनने पे। ये मसाला तैयार कर रहे हैं सब्जी के लिए, इसमें हम लहसुन छील के डाले हैं। उसके बाद ये 2 चम्मच डालेंगे इसमें है धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, मरीच पाउडर, मतलब तीनों है। तो इसको 2 चम्मच डालेंगे, और लहसुन, ये लाल खड़ी मिर्च डालेंगे इतना, ये है इसका पेस्ट बना लेंगे। और सब मेरा तैयारी हो गया है। प्याज हम काट लिए हैं। ये मेरा तेल थोड़ा सा डाल के पैन में इसको भूनेंगे, कटहल को भी ये पूरा डाल के अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा छोटा है, चलाने में गिरेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये मेरा कटहल हो गया। अब ये कुकर चढ़ा दी। ये कुकर मेरा कब का है, ये 3-4 साल हो गया लिए। इसमें बहुत कभी कभी बनाते हैं, इधर बनाते ही नहीं क्योंकि ये बहुत हमको बड़ा लगता है, 5 लीटर का ही। लेकिन पता नहीं क्यों इसका साइज़ या इसका डिज़ाइन इस तरीके का है या जो भी, हमको इसको चढ़ाने का एकदम बिल्कुल मन नहीं करता, और बहुत वजन है। और इसका तला, जो तला है, मतलब जो इसका क्या कहते हैं उसको, पेंदी, बहुत मोटा है, तो इसको गर्म होने में भी टाइम लगता है। तो इसमें देखिए हम तेल डाल दिए हैं, अभी तेल मेरा गरम हो गया, तेज़पत्ता डाल दिए हैं। अभी इसके बाद इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा,
और उसके बाद हींग। कटहल की सब्जी में तो हींग जरूरी है, वैसे भी हम हर चीज़ में डालते हैं तो कटहल की सब्जी में तो ज़रूरी है ही, क्योंकि कटहल बादी है। अभी इसमें देखिए खड़ा लाल मिर्च पेट उसका काट दिए हैं, वो हो गया। ये अदरक कूटे हैं, ये लाइट पड़ रहा है तो चमक रहा है, ये अदरक है जो डाले हैं। अभी इसको थोड़ा सा भून लेंगे मिर्ची और अदरक को, उसके बाद ये प्याज डाल देंगे। प्याज हम पीसे नहीं हैं, पूरा इसी में फ़ौरन में ही इसको डाले हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे प्याज गलने के लिए, और इसको एकदम ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे। अभी इसको थोड़ा सा ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर, गल जाएगा। ये देखिए मेरा प्याज एकदम ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मसाला डाल देंगे जो बनाए थे, लहसुन मिर्ची और वो धनिया का, वो डाल के इसको भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए मेरा भुना गया है मसाला, इस तरीके से आप ये देखिए मेरा बन गया, मतलब बना नहीं भुना गया है। अब इसमें इस टाइम ये गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला भर के डालेंगे, और उसके बाद इसको मिक्स करके तब कटहल डालेंगे। अगर आप इस तरीके से कटहल बनाएंगे तो यकीन मानिए मीट खेल है, मीट का स्वाद आता है एकदम बिल्कुल। तो अभी ये कटहल डाल के भून लेंगे, भूनेंगे नहीं, भूना तो है ही। अभी देखिए आज हल्दी पाउडर मसाला में डालना भूल गए, तो अभी डाले हैं, कोई बात नहीं, भुना आ जाएगा। ये कटहल और मसाले के साथ इसको भून लेंगे। ये हम हल्दी भून लिए हैं, अब इसमें पानी डाल लेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे पानी, एक डेढ़ गिलास के लगभग, क्योंकि बस रोटी से खाना है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी इसको बंद करके 3-4 सीटी 5 सीटी लगाएंगे, क्योंकि कटहल छोटा है तो छोटा गलने में टाइम लगता है थोड़ा। तो ये देखिए मेरा 5 सीटी हो गया है, सब्जी मेरा तैयार हो गया। ये देखिए सब्जी बन के तैयार हो गया, और सब्जी जब से पक रहा था मेरा रोटी भी बन गया है। हमें एक साइड में रोटी भी बना लिए थे अपना, तो मेरा सब्जी रोटी दोनों बन के तैयार हो गया है। अब चल रहे हैं खाना खाने। तो अगर ये था मेरा ये सुबह से शाम तक का ब्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। और जो नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, और जो नहीं किए हैं वो भी कर दें प्लीज़। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।